सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y36 डिवाइस के अंदर आप जो है फ्लोटिंग विंडो को यूज कैसे करोगे। फ्लोटिंग विंडो मींस कि जिस तरह से स्प्लिट स्क्रीन हमारा होता है वैसे ही फ्लोटिंग विंडो सेटिंग्स होती है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी नॉर्मली फोन पे काम करते रहो और अगर आप जो है उसके साथ इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप जैसी चीजें यूज करना चाहते हो तो क्लिक करके दो स्क्रीन में डिवाइड कर सकते हो अपने डिस्प्ले को। मीन्स कि वो फ्लोटिंग विंडो में होगा, फुल्ली कस्टमाइज होगा, स्प्लिट स्क्रीन जैसा नहीं होता। तो अगर आप करना चाहो तो नो डाउट कर सकते हो। वेल गाइस चलो डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं फ्लोटिंग विंडो को कैसे एक्सेस करना है हमें अपने डिवाइस के अंदर। गाइस फोन के अंदर फ्लोटिंग विंडो को एक्सेस करना काफी आसान है, इसके लिए हमें कोई भी सेटिंग्स वगैरह इनेबल करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, अपने व्हाट्सएप को ओपन करना, और एक बात का ध्यान रखें ये सभी एप्लीकेशन में सपोर्टेबल नहीं होता। ये लाइक व्हाट्सएप एंड फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसपे सपोर्ट करता है, बट ऐसे बहुत से एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसपे ये सपोर्ट नहीं करता। तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ छोटा सा। मैंने यहाँ पर अपने बैकग्राउंड में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को दोनों ओपन कर रखा है। फ्लोटिंग विंडो को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो एरो आपको मिल रही है इसमें एक स्मॉल विंडो करके ऑप्शन होगा, एक्चुअल में यही फ्लोटिंग विंडो है। एक बार आप प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक फ्लोटिंग विंडो क्रिएट हो जाएगी, अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस टाइप से। तो ये फ्लोटिंग विंडो जो है फुल्ली कस्टमाइजेबल है, हम इसको बड़ा छोटा जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से मिनिमाइज हो जाता है, एंड राइट वाले पे क्लिक करते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। अब इसको ये मूवेबल है, इसको आप मूव कर सकते हो जहां भी आप रखना चाहें। एंड इसमें जो हमने बताया था कस्टमाइज वाला भी ऑप्शन है, ये रीसाइज भी होता है, इसके साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। हालांकि ये मैक्सिमम साइज है और ये इतना छोटा हो सकता है। तो आप इसको किसी भी ऐप के साथ एक्सेस करना चाहें तो फ्लोटिंग विंडो यूज कर सकते हैं, बट जो स्प्लिट स्क्रीन होता है वो सभी एप्लीकेशंस के साथ नहीं होता। तो आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, इवन आप सेटिंग्स वगैरह को भी ओपन करेंगे तब भी ये फ्लोटिंग विंडो में एक्सेस कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे जो एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं फ्लोटिंग विंडो के लिए उनको एक्सेस आप कर सकते हैं। और अगर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये फुल हो जाएगा फुल डिस्प्ले में, और इसको आसानी से फुल डिस्प्ले में एक्सेस कर सकते हो। आई होप कि आप समझे होंगे कैसे फ्लोटिंग विंडो को एक्सेस किया जाता है। एंड गाइज और कोई कंफ्यूजिंग होती है इस फ्लोटिंग विंडो को रिकॉर्डिंग तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।